हमारे बीच में इस समय बहुत ही जोश और जुनून के साथ में बच्चे प्रोग्राम पेश कर रहे हैं और सारे के सारे बच्चे बधाई के पात्र हैं, प्रशंसा के पात्र हैं, जो बिना झिझक के बिना किसी हेजिटेशन के कार्यक्रम पेश कर रहे हैं। और यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं, बच्चों के मम्मी पापा हैं, छात्रों के लिए, सभी के लिए 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं। एक शेर के साथ के फूल खिलता है गुले गुलजार बनकर, और 15 अगस्त मुबारक हो आप सभी को फूलों का हार बनकर। तो मैं हमारे बीच में जो कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है, हमारे मामा जी भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जी भी हैं, उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। हमारे बीच में पुलिस डिपार्टमेंट के सीबीगंज थाने के कुछ सीबीगंज थाने से दीवान जी हैं, और भी जो 100 नंबर पे तैनात है दीवान जी, मैं उनसे भी आऊंगा। मैं नाम लेके कह दे रहा हूँ कि हमारे दीवान जी श्री राजेंद्र कुमार गंगवार जी, पुलिस डिपार्टमेंट सीबीगंज थाने के दिनेश कुमार जी, और हमारे स्टूडेंट जो 100 नंबर पे तैनात हैं धर्मेंद्र कुमार सिंह जी, और हमारे क्षेत्र के हमारे पिता तुल्य ठाकुर साहब से मैं चाहूंगा कि उनका नाम तो नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि बहुत ही सम्माननीय उनका नाम है, तो मेरी आवाज को सुन रहे होंगे, तो मैं चाहूंगा कि मंच पर आए और हम जो है आपके लिए आरपी पब्लिक स्कूल की तरफ से आपके लिए सम्मानित करना चाहते हैं। तो सभी अपने साथियों से, पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों से मैं कहूंगा प्लीज पर आने का कष्ट करें। और अपने जो विद्यालय के प्रिंसिपल साहब हैं महेंद्र कुमार राजपूत जी, इंग्लिश के एक्सपर्ट हैं, और हमारी जो ड्राइंग एंड पेंटिंग की एक्सपर्ट नीमा मैम, हमारी प्रिंसिपल मैम नीमा मैम, हमारे प्रिंसिपल सर महेंद्र कुमार राजपूत जी से मेरा विनम्र निवेदन है कि मामा जी तो हमारा हमेशा ही सम्मान करते हैं, क्षेत्रवासियों का सम्मान करते हैं, सभी का सम्मान करते हैं। आज हमारा सौभाग्य है जो हमें सम्मान करने का मौका प्राप्त हुआ है। इसके बाद में मामा जी अपने कुछ बच्चों के लिए संबोधित करेंगे। बहुत ही बेहतरीन हमारे सभी जैन टीचर जो है सम्मान दे रहे हैं हमारे मुख्य अतिथि महोदय का, और इसके बाद में जो है मामा जी के मुख से आप लोग बहुत ही सुंदर सुनेंगे इसकी बहुत ही बेहतरीन के जीवन में हमें क्या करना चाहिए और हमारे देश को आजाद होने में कितने लोगों ने कुर्बानियां दी, वो सब जो है मामा जी के मुखवाणी से आप लोग सभी अभी सुनेंगे। आज जो भी ठेर पे आरपी पब्लिक स्कूल के में 15 अगस्त के शुभ अवसर पर आप सब बच्चे और गांव के वासी एकत्र, मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूं आपको कि 15 अगस्त हर साल हम क्यों मनाते हैं, और यही मनाने से काम नहीं होता कि आरबी पब्लिक स्कूल में हमें मिठाई बटेगी, हमारे लिए कुछ खाने पीने को दिया जाएगा, झंडा होगा, या हम थोड़ा सा गाने गाएंगे, उससे कुछ हो जाता है। हमारा मात्र मकसद यह है कि जो हमें आज़ादी मिली है, जो 15 अगस्त के लिए आज़ादी मिली है, उसको हमें याद करना है कि कितनी मेहनत से हमारे लिए आज़ादी मिली, इसको हमें याद करना है। इस आज़ादी में हमारे बच्चे, हमारी माताएं बहनें, हमारे सभी लोगों का
इसमें बहुत बड़ा सहयोग रहा है। बात क्या थी कि हम पहले जब गुलाम थे तो हम जिस तरीका से बैठकर आज हम बातें करते हैं और कुछ करते ही हमारे बीच में नहीं था। हम भी फूल थे गुलशन में रहते थे, हम फूल थे गुलशन में रहते थे, हजारों जुल्म सहते थे मगर खुश रहते थे। आज हमारे लिए आजादी मिली है, आज आजादी मिली है और ये आजादी जभी मिली है कि जैसे जो नौजवानों ने अभी तालियां बजाई थी कि हमें आजादी ऐसे ही मिली है, वो कहते हैं कि कृपाणों की नंगी धारों पर, कृपाणों की नंगी धारों पर जग के आजादी पलती है और इतिहास उस तरफ चलता है जिस तरफ जवानी चलती है। भाइयों, ये हमारे लिए जो आजादी मिली इसमें हजारों लोगों की कुर्बानी हुई है, उनको याद करने के लिए हम लोग सब लोग एकत्रित होते हैं हर साल 26 जनवरी और 15 अगस्त का। मानिए हम लोग जो है एक उत्सव मनाते हैं। 15 अगस्त एक ऐसी चीज है जहां हमारा देश आजाद हुआ। हमारे इसी बीच में आज जो पब्लिक आरपी पब्लिक स्कूल के भाई राजू प्रजापति जी, उनके जितने टीचर्स हैं जिन्होंने इसे सभी बच्चों के लिए गुलदस्ता की तरह, जैसे एक गुलदस्ता के लिए अच्छे अच्छे फूल लगाए जाते हैं उसी तरह से धरती चलती रहती है। आना बाहर का और जाना बाहर का, आना बाहर का और जाना बाहर का, इसमें भी कोई राज है परवर दिला, ये भी कोई अच्छी बात है, अच्छी बात है। अब मैं तुम्हारे इलाके की बात कहता हूँ कि कहीं गर्मी कहीं ठंडक, ये ईश्वर का नजारा है। ये गर्मी कहीं ठंडक ये ईश्वर का नजारा है, वही तरबूज होते हैं जो गंगा का किनारा है। तो आपके गंगा के किनारे पर आपके तरबूज होते हैं,